सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ न्यू कोरियन ड्रामास को जो अभी हाल फिलहाल में हिंदी में डब्ड होकर आए हैं। ये सभी ड्रामास एक से बढ़कर एक हैं, जिनके अंदर आपको रोमांस, कॉमेडी, एक्शन, मिस्ट्री ये सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये कौन कौन से ड्रामास हैं और ये आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सो लेट्स बिगिन। सो नंबर 10 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है लकी रोमांस। इसे 2016 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb ने 7.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। ये एक रोम कॉम ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारी फीमेल लीड की, जिसकी छोटी बहन 2 साल से कोमा में है और उसके माता पिता की डेथ भी हो चुकी है, इसलिए वो अपनी छोटी बहन के हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए हर तरह की छोटी बड़ी नौकरियां करती है। वहीं हमारा मेन लीड एक गेमिंग कंपनी का CEO होता है और वो अंधविश्वासों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। तो ऐसे में क्या होता है जब दो डिफरेंट पर्सनालिटी वाले लोग एक दूसरे से मिलते हैं, यही हमें इस ड्रामे के अंदर दिखाया। इस ड्रामे के अंदर कुल 16 एपिसोड्स हैं, जिसके हर एपिसोड की रन टाइम 60 मिनट की होने वाली है, जिसे आप प्लेफ्लिक्स ऐप पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 9 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है फाइंड मी इन योर मेमोरी। इसे 2020 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb ने 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। ये भी एक रोमांटिक ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारे मेल लीड की, जो एक न्यूज एंकर होता है और उसे बचपन से हाइपरथीमेसिया नाम की एक बीमारी भी होती है, जिसके कारण 365 दिनों के अंदर जो कुछ भी उसके साथ हुआ होता है वो सब कुछ उसे याद रहता है। वहीं हमारी फीमेल लीड एक टीवी एक्ट्रेस होती है और वो अपने पास्ट में हुई काफी सारी चीजें भूल चुकी है। एक दिन एक इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे उन दोनों को एक फेक रिलेशनशिप में आना पड़ता है। तो अब आगे क्या सारी चीजें होती हैं और उनका ये फेक रिलेशनशिप किस तरह से धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है, यही हमें इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया है। इस ड्रामे के अंदर कुल 32 एपिसोड्स हैं, जिसके हर एपिसोड की रन टाइम 35 मिनट की होने वाली है, जिसे आप प्लेफ्लिक्स ऐप पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 8 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है ओ माई वीनस। इसे 2015 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb ने 7.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। ये एक रोमांस कॉमेडी लो ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारे मेल लीड की, जो एक हॉलीवुड स्टार का पर्सनल ट्रेनर होता है, लेकिन एक एक्ट्रेस से विवाद होने की वजह से वह फिर से कोरिया चला जाता है। वही हमारी फीमेल लीड एक लॉयर होती है जो अपने स्कूल टाइम में काफी ज्यादा सुंदर हुआ करती थी, लेकिन अभी के टाइम पे वो काफी ज्यादा ओवरवेटेड हो गई है। तो अब आगे ये दोनों किस तरह से मिलते हैं और उन दोनों में किस तरह से लव होता है, यही हमें इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया है। इस ड्रामे के अंदर कुल 16 एपिसोड्स हैं, जिसके हर एपिसोड की रन टाइम 60 मिनट की होने वाली है, जिसे आप G5 पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 7 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। इसे 2017 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb ने 7.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। ये एक रोम कॉम ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारी फीमेल लीड की, जो अपने पति के डेथ के बाद कर्ज में डूबी हुई अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ काफी ज्यादा संघर्ष कर रही होती है। एक दिन उसे पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया है। ऐसे में वो अपनी बेटी के अच्छे फ्यूचर के लिए अपने बॉस से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेती है, लेकिन आगे चलकर उनकी एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप धीरे धीरे रियल लव में बदल जाता है। इस ड्रामे के अंदर कुल 16 एपिसोड्स हैं, जिसके हर एपिसोड की रन टाइम 75 मिनट की होने वाली है, जिसे आप टाटा प्ले के विदेशी कहानियां टीवी चैनल पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 6 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है द सेकंड हस्बैंड। इसे 2021 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb ने 6.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। ये एक रोमांस कॉमेडी रिवेंज ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारी फीमेल लीड बोंग सोवा की, जिसका पति उसे चीट कर देता है और किसी अमीर लड़की के लिए उसे छोड़ देता है, जिसके बाद सोवा डिसाइड करती है कि वो उसे रिवेंज लेगी। तो क्या वो उसे रिवेंज ले पाती है या नहीं, यही हमें इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया है। इस ड्रामे के अंदर कुल 150 एपिसोड्स हैं, जिसके हर एपिसोड की रन टाइम 35 मिनट की होने वाली है, जिसे आप अतरंगी ऐप पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 5 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है क्वीन ऑफ मिस्टी। इसे 2017 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb ने 7.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। ये एक रोमांस कॉमेडी एक्शन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है एक कपल की, जिसमें से हमारा मेल लीड एक डिटेक्टिव होता है और हमारी फीमेल लीड एक हाउसवाइफ होती है, लेकिन उसे घर के कामों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। उसे सिर्फ क्राइम केसेस को सॉल्व करने में मजा आता है, जिसकी वजह से हमारे मेल लीड के बार बार मना करने के बावजूद भी वह क्राइम केसेस को सॉल्व करने की जिद करती रहती है। फिर आगे दोनों एक साथ मिलकर क्राइम केसेस को सॉल्व करते हैं। इस ड्रामे के अंदर 16 एपिसोड्स हैं, जिसके हर एपिसोड की रन टाइम 60 मिनट की होने वाली है, जिसे आप G5 पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है द सीक्रेट हाउस। इसे 2022 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb ने 7.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। ये एक रोमांस कॉमेडी मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है हमारे मेल लीड जीवान की, जो प्रेजेंट टाइम में एक लॉयर होता है लेकिन वो एक प्रोसिक्यूटर बनना चाहता है। ऐसे में एक दिन उसकी माँ मिसिंग हो जाती है, जिसे ढूंढने के चक्कर में वो अपने प्रोसिक्यूटर बनने के सपने को छोड़ देता है, लेकिन आगे चलकर उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से उसकी बहन और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली जाती है। तो भाई क्या सारी चीजें होती है और क्या वो माँ को ढूंढ पाता है या नहीं, यही हमें इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया है। इस ड्रामे के अंदर कुल 124 एपिसोड्स हैं, जिसके हर एपिसोड की रन टाइम 30 मिनट की होने वाली है, जिसे आप अतरंगी ऐप पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं।
नंबर 3 पे जो कुरेंडामा आता है उसका नाम है डॉक्टर डिटेक्टिव। इसे 2019 में रिलीज किया गया था। इसे आईएमडीबी 7.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मेडिकल लाइफ ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है डॉक्टर डू जंग यून की, जो एक स्वास्थ्य चिकित्सक के रूप में काम करती है और वो मेडिकल फील्ड में होने वाली घटनाओं को उजागर करना चाहती है जिससे टीएल ग्रुप छुपाना चाहता है। तो अब आगे वो डॉक्टर हियोमिन से मिलकर किस तरह से वो सीक्रेट्स लोगों के सामने लाते हैं, यही हमें इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया है। इस ड्रामे के अंदर कुल 32 एपिसोड्स हैं जिसके हर एपिसोड की रन टाइम 35 मिनट की होने वाली है, जिसे आप अमेजन मेटी पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 2 पे जो कोरिंडामा आता है उसका नाम है ब्लड हाउंड। इसे 2023 में रिलीज किया गया था। इसे आईएमडीबी ने 8.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। ये एक क्राइम थ्रिलर एक्शन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है दो ऐसे बॉक्सर्स की जो ऐसे लोगों का पर्दाफाश करते हैं जो पैंडेमिक के टाइम पे गरीब लोगों को लोन देकर उन्हें फंसाने का काम करते हैं। तो अब आगे वो दोनों एक साथ मिलकर किस तरह से उन लोगों की सच्चाई लोगों के सामने लाते हैं, यही हमें इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया है। और हां, इसका एक्शन सीक्वेंस काफी जबरदस्त है तो इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। इस ड्रामे के अंदर कुल 8 एपिसोड्स हैं जिसके पर एपिसोड की टाइम 60 मिनट की होने वाली है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1 पे जो कुरिंडामा आता है उसका नाम है टेल ऑफ द 9/10/1938। इसे 2023 में रिलीज किया गया था। इसे आईएमडीबी ने 9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी है। ये एक रोमांस कॉमेडी हिस्टोरिकल फैंटेसी ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है एक नाइन टेल फॉक्स की, जो अपने भाई को बचाने के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ 1938 में चला जाता है। तो वहाँ पर उसके साथ क्या क्या होता है और क्या वो अपने भाई को वापस ला पाता है या नहीं, यही हमें इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया है। ये टेल ऑफ द 9 टेल का सीजन 2 है। तो अगर आपने इसका सीजन 1 अब तक नहीं देखा है तो पहले आप इसके सीजन 1 को देख लेना। इसका सीजन 1 और सीजन 2 आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो आप इसे प्राइम वीडियो पे हिंदी सबटाइटल में देख सकते हैं। तो गाइस, आप इसमें से कौन कौन से ड्रामास देख चुके हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलता हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।